गुड स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं पुष्प की सममिति। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फर्स्ट है अपना, जब किसी पुष्प को उसके केंद्रीय अक्ष से किसी भी तल में दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस आधार पर पुष्प को त्रिज्या सममिति या एक व्यास सममिति या फिर असममित कहा जाता है। When flower is divided into two equal parts from its axis, then it is called actinomorphic, zygomorphic and non-symmetrical। जिसमें फर्स्ट है आपका त्रिज्या सममिति। अब आप समझेंगे फर्स्ट क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है। त्रिज्या सममिति, किसी भी पुष्प को उसके केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है तो उसकी सममिति त्रिज्या सममिति कहलाती है। जैसे है सरसों है, धतूरा है, मिर्च है आदि। When flower is divided into two equal parts from its axis, then it is called as actinomorphic। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चिली एंड डेटूरा। अब इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो ये कोई फ्लावर है, अगर इस प्रकार से आप उसको कट करते हैं और टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल एक्सिस से ऐसे करेंगे तब भी टू, ऐसे करेंगे तब भी टू पार्ट्स में, ऐसे भी आप करोगे, किसी भी प्लेन में उसको अगर काटोगे ना तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तब वो कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममिति। दूसरा आता है एक व्यास सममित, जायगोमॉर्फिक। जब पुष्प को किसी एक विशेष ऊर्ध्वाधर एक ही तल में ऊपर से नीचे की ओर एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान भागों में बांटा जा सकता हो तब इसको बोलते हैं एक व्यास सममित, जैसे सेम है, मटर है आदि। When flower is divided into two equal parts from a particular plane, particular vertical plane, then it is called zygomorphic। example है पी लवलव एंड गुलमोहर। अब ऐसे फ्लावर को आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसमें एक ही प्लेन है, ऐसे करोगे डिवाइड तब भी मतलब एक ही प्लेन में आएगा, मतलब एक प्लेन में ही वो डिवाइड हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ या किसी भी प्रकार से, तो उसको माना जा सकता है। अब तो फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लावर है किस प्रकार का। अगर वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल ऊपर से नीचे की ओर ही वो डिवाइड होता है, तब अपन उसको बोल सकते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो अपन फ्लावर आपके पी की फ्लावर आ जाएंगे आपको जब बताएंगे, इसमें इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा।
तीसरी है आपका एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री इसको है ही नहीं, आप किसी भी प्लेन में उसको कट करके टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहे तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। जब पुष्प को किसी भी समतल में मध्य में से किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से दो बराबर भाग विभाजित नहीं किया जा सकता तब ऐसे पुष्प की सममिति क्या कहलाती है, असममित। व्हेन फ्लावर इज नॉट डिवाइडेड इक्वल टू पार्ट्स फ्रॉम मिडिल और एनी वर्टिकल प्लेन इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल है केना, यानी इरेगुलर सिमेट्रिकल केना। फिर इसमें नेक्स्ट दो पॉइंट है, किसी पुष्प में उसके ग्रंथि के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। कोई फ्लावर है और उसके फ्लावर के आधार पर नीचे बिल्कुल उसके पुष्प वृंत पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, तो इन पत्तियों को क्या बोलते हैं, सह पत्र। और ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, सह पत्री। एट द बेस ऑफ पेडिकल, एट द बेस ऑफ पेडिकल ऑफ फ्लावर ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड ब्रैक्ट। कॉल्ड ब्रैक्ट फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट, दिस फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट कॉल्ड ब्रैक्टीएट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, If flower have not bract, called ebractiate. Flower के पेडिकल पर अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो सहपत्री और नहीं है तो असहपत्री। If leaf like structure are present at the base of pedicle, the flower is called bractiate. If have not, called ebractiate. Position of flower, leaves on thalamus. पोजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स पुष्पासन पर पुष्पी भागों की स्थिति, द पोजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस। पुष्पासन पर भायदलपुंज दलपुंज पुमंग की जायांग के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को हम तीन भागों में बांटते हैं, अधोजायांगता परिजायांगता एंड अधिजायांगता। Based on the position of calyx, corolla and androecium against gynoecium, the flower is divided into three types, hypogynous, perigynous and epigynous. अब फर्स्ट समझेंगे hypogynous, what is the mean of hypogynous? सेकेंड है आपकी परिजायांगता पेरिगाइनस, और तीसरी अपनी
इनको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला है अपना हाइपो अधिजायंता, तो अधि का मतलब होता है ऊपर। इसमें जायांग जो होता है सर्वोच्च स्थिति पर होता है, मादा जननांग होता है उसकी स्थिति पुष्पासन पर अन्य पुष्पी अंगों की तुलना में कैसे होती है, सबसे ऊपर होती है, और अन्य अंग पुष्पासन पर जायांग से नीचे लगे होते हैं। चित्र से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि सरसों है गुड़हल है, तो अंडाशय यानी जायांग ऊपर है, तो ऊपर क्या बोलेंगे ऊर्ध्ववर्ती, जायांग की पोजिशन क्या है ऊर्ध्ववर्ती, और अन्य अंगों की क्या है अधो यानी नीचे, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अधिजायांगता। अधिमान हो गया आपका अधो, सॉरी पहला अधो है, अधो अधो माने हो गया आपका नीचे। अब आपको फिर बता दूं मैं, द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोजिशन, द गाइनोपियस ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोजिशन एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, इट्स ओवरी इज सुपीरियर। एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एटसेट्रा। तो आप यहां पर इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, ये आपका थैलेमस है। अब इस थैलेमस पर ये आपका हो गया आपका गाइनोसियम है, तो अब इस पर नीचे देखो यहां पर क्या लग रहा है आपका, ये एंथर फिलामेंट हो गया, अब ये कैलेक्स, कोरोला और एंडोसियम, पुंकेसर, दलपुंज और बाह्य दलपुंज सभी जायांग से नीचे लगे हैं, तो इसकी स्थिति कैसे हो गई ऊर्ध्व यानी कि ऊर्ध्ववर्ती, बाकी सभी अंग से नीचे हैं, तो अधो माने नीचे, तो इसलिए इसको क्या बोला था अधो जायांग, तो जायांग से सारे नीचे, पुष्पी अंग जायांग से नीचे हैं, तो क्या बोलेंगे अधो जायांगता, लेकिन जायांग की स्थिति सबसे ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्ववर्ती, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो टू गाइनोसियम। अब पेरी जायांगता यानी कि पेरी गाइनस, पेरी गाइनस में क्या होगा उसके सेंट्रल पे लगे रहेंगे, इसको डायग्राम से बता दूं मैं आपको, नीचे नहीं, यहां पर क्या है अन्य पुष्पी अंग इसके पार्श्व में, परिधि पर इसके बिल्कुल पास में किनारों पर लगे रहते, ना तो नीचे ना ही ऊपर है, तो जायांग की तुलना में अन्य पुष्पी अंग इसके किनारों पर लगे होते हैं और लगभग समान ऊंचाई के ही हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या पेरी परिजायांगता। जैसे आलू बुखारा है, आड़ू है, उनमें इसको मिल जाएगा। इन दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोसियम सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, हियर ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, यहां जो अंडाशय की स्थिति वो क्या अर्ध अर्धोवर्ती, हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर, आधी ऊपर है आधी नीचे, तो दोनों कंडीशन कही जा सकती है। प्लम, पीच एंड रोज इसका एग्जांपल है, ठीक। थर्ड आ रहा है अधो, अधो का मतलब है ऊपर, फर्स्ट है अधो जायंता और ये है तुम्हारा अधिजायंता। एपिगन, अधि का मतलब इस प्रकार के पुष्पों में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं, अन्य भाग अंडाशय के ऊपर लगे होते हैं, अंडाशय जो है जायांग वो तो नीचे की तरफ है
और अन्य अंगों से ऊपर की तरफ लगे रहते हैं। अधि का मतलब होता है ऊपर, अंडा से अधोवर्ती होता है, अधो का मतलब है अंडा से की स्थिति नीचे, अन्य पुष्पी अंग ऊपर है। सूरजमुखी के अर्पुष्पक है, अमरूद है, घिया है। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड क्लोजिंग द फ्लावर अराइजेज अबव द ओवरी। ओवरी इज सेट टू बी इनफीरियर। एग्जाम्पल री फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड अपना बोटल गार्ड, गुआवा एटसेट्रा। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्या इसकी ओवरी हो गई, यानी कि गाइनोसियम हो गया। अब गाइनोसियम पर इसके ये अपना क्या हो गया, कैलिक्स हो गए, सेपल्स, और यहां पर लगे पड़े हैं इसके ये अपने कोरोला हो गए, और कोरोला के बाद यहां पर इसके क्या हो गए, अब आप देख रहे हैं द पोजिशन ऑफ गाइनोसियम बिलो अदर फ्लोरल पार्ट्स। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ गाइनोसियम बिलो एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइजेस अबव द गाइनोसियम। द पोजिशन ऑफ गाइनोसियम इज इनफीरियर, पोजिशन ऑफ गाइनोसियम इज सुपीरियर, पोजिशन ऑफ गाइनोसियम इज इनफीरियर, और पोजिशन ऑफ गाइनोसियम हाफ इनफीरियर और हाफ सुपीरियर। तो इसको क्या बोलेंगे, पेरी मतलब एपिगाइनस, एपी का मतलब है अपर, ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजेस अपर देन गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम के पोजीशन के बेस पर फ्लावर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिगाइनस, सॉरी ये हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। अधोजायंगता, परिजायंगता तथा अधिजायंगता। तो ये फ्लावर को हाथ में लेकर के ही आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। ओके, थैंक्स।